हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं इसे हिजामा थेरापी या क्यूपिंग थेरापी के नाम से जाना जाता है। इनको गठिया की तकलीफ लगभग 12 साल से है और ये एलोपैथी मेडिसिन लेने के बावजूद इनको कुछ फर्क नहीं आया है और सभी जगह से ऑपरेशन की सलाह दी गई है। अभी ये पेशेंट बिल्कुल नहीं चल पाता है और लगभग 2 साल से बेडलेस है। तो आज ये हमारे पास आए हैं और आज इनका कपिंग थेरापी का पहला सीटिंग है। तो देखते हैं पहले सीटिंग में उनको क्या चेंजेस आता है। पैर में गठिया की बीमारी लंबे समय से होने के कारण मरीज के पैर बिल्कुल घुटनों से बेंड हो गए हैं, जिसके कारण वो खड़े नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, हिजामा थेरापी का नाम आपने सुना ही होगा। हिजामा थेरापी हजार वर्ष पहले से ही मानव शरीर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसे यूनानी चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण पद्धति माना जा रहा है, जो कि इस्लाम धर्म में भी हिजामा चिकित्सा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब और आचार्य सुश्रुत ने भी हिजामा चिकित्सा के बहुत सारे फायदों के बारे में बताया है। इसे अरबी में हिजामा चिकित्सा, चीनी और अंग्रेजी में क्यूपिंग थेरापी और मिस्र में इजाज बिन कर्म व भारत में रक्त मोक्षक के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में रक्त का संचार सभी अंगों को स्वस्थ रखता है। यह थेरापी रक्त संचार को अवरोध को खत्म कर अंगों तक पर्याप्त मात्रा में खून पहुंचाती है। इस चिकित्सा के माध्यम से रक्त में मौजूद विषैले पदार्थ, मृत कोशिकाओं व अन्य दूषित तत्वों को बाहर निकाल कर रोग से बचाव करता है, जिसे हमारे शरीर में नए खून का निर्माण होता है और कई सारी लाइलाज बीमारी को ठीक करता है। हिजामा चिकित्सा लगभग बिना दर्द वाली चिकित्सा पद्धति है, जिसमें इंजेक्शन से भी कम दर्द महसूस होता है। हिजामा थेरापी से साइटिका, सिरदर्द, चर्मो स्पॉन्डिलाइसिस, किडनी, हृदय रोग, लकवा, मिर्गी, माहवारी, गर्भाशय, हार्मोन विकार, मधुमेह, मोटापा, थायराइड, पेट रोग, चेहरे पे दाग व धब्बे, गंजेपन में यह चिकित्सा बहुत ही कारगर मानी गई है। बाकी सब इलाज के बदले हिजामा चिकित्सा खर्च में काफ़ी सस्ता होता है और मेन बात, हिजामा चिकित्सा से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप में से किसी को भी घुटने का दर्द या गैप डल गया है और नी रिप्लेसमेंट का नौबत आ चुका है, तो एक बार किसी हिजामा चिकित्सक से सलाह जरूर लें। अगर आप हमसे इलाज करवाना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पर कॉन्टेक्ट करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और को मदद हो जाए और नी रिप्लेसमेंट से बच जाए। हिजामा चिकित्सा कैसे करते हैं और क्या है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें और एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और पास में दिया बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई अपडेट आपको मिलती रहे। Thank you.
ये तो ये हुआ है ना, आया होता फिर जनता नहीं, सब खराब कौन है और तुम्हारी घुटनों में सब प्रॉब्लम चल नहीं देता पानी निकले पानी की प्रॉब्लम बाहर भेज दिया हुआ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हिजामा चिकित्सा से मरीज पहले ही सीटिंग में अपने आप चल सकता है, जो कि ये 2 साल से बेडलेस था और बिल्कुल नहीं चल पाता था, और एक ही सीटिंग में इनको इतना फर्क महसूस होता है और दर्द बिल्कुल नहीं होता है। तो दोस्तों आगे बताएंगे इनको दूसरी बार करने से कैसा महसूस होता है और कैसा रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।